हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। अब देखिए, लास्ट वीडियोस में जो हमने बात की है तो हमने आपको एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। और किस टॉपिक के? तो नाउन के हमने एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चंस का जिक्र किया जिनसे जो कि एरर डिटेक्शन से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं कुछ और एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से करेंगे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर अपीयर होता रहेगा और आप उसको देख करके कमेंट बॉक्स में अपना बताते रहेंगे कि भाई कौन से जगह में गलती है या किस पोर्शन में गलती है। समझ तो आप गए हैं क्योंकि लास्ट की 2 वीडियोस में हमने वही बात की है। उसी प्रकार से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में भी दिखाई देंगे और आपको उन्हें देख करके बताना है कि गलती कहां पर है। चलिए बात करते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन आपको अपीयर हो रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है, ऑल हिज ब्रदर इन लॉज वर वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज एंगेजमेंट। तो देखिएगा सेंटेंस में क्या आया। तो हमने बताया था आपको कि कंपाउंड वर्ड हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सभी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर, स्टेप सिस्टर, ये सभी क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड हुआ करते हैं। और कंपाउंड वर्ड के बारे में बताया था कि भाई कंपाउंड वर्ड का जब जब प्लूरल बनाया जाएगा तो मेन वर्ड जो हुआ करता है उसमें एस लगा करता है। लेकिन अगर कंपाउंड वर्ड का हम प्लूरल ना बनाकर क्या कर रहे हैं, तो कंपाउंड वर्ड का प्लूरल ना बनाकर अगर हम उसमें एपोस्ट्रॉफी एस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पोजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा एपोस्ट्रॉफी एस जो लगा करता है वो तो अंतिम शब्द में लगता है। लेकिन प्लूरल जो होता है वो कहां पे होता है? तो प्लूरल लगा करता है कहां? मेन वर्ड में। तो यहां पर एक शब्द आया क्या? तो शब्द आया ब्रदर इन लॉ। और इसने क्या किया? ब्रदर इन लॉज कर दिया, यानी कि अंत में एस लगा रखा है, जबकि एस यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्लूरल कर रहे हैं, तो फिर एस कहां पे आना चाहिए? ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए। और वहीं पर गलती थी, यानी कि ब्रदर इन लॉ की जगह क्या होना चाहिए था? ब्रदर्स इन लॉ होगा तो सही कर लेंगे। यानी कि गलती कहां पर होगी? ब्रदर्स इन लॉ में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में गलती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी से बात करेंगे। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि माय मदर्स ब्रदर्स वाइफ। क्या आया? माय मदर्स ब्रदर्स वाइफ। तो माय मदर्स भी आ गया और ब्रदर्स भी आ गया, यानी कि डबल डबल एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिएगा रूल हुआ करता है क्या कि एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करते, यानी डबल एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया करते हैं। यानी इसको करना क्या चाहिए था? तो करना कुछ इस तरह से चाहिए था कि द वाइफ ऑफ माय मदर्स ब्रदर, ठीक है, यानी कि मेरी माँ के भाई की जो पत्नी है। तो यानी कि उस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन डबल एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वही गलती थी, उसको आप सही कर लेंगे। अगला देखेंगे अब, यानी कि इस वाले ऑप्शन में भी कौन सा ऑप्शन लगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही लगाया गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द टी पोर्ट्स हैंडल। तो टी पोर्ट का हैंडल, अब हमने शुरुआत में ही बताया था जब हमने आपको एपोस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड रूल्स बताए थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। उसके अलावा हमने जब आपको क्वेश्चंस कराए तो उसमें एक क्वेश्चन में आया था जिसमें कि नॉन लिविंग के साथ, जैसे संडेज करके आया था, कुछ डे के के साथ लगा हुआ था, तो वहां पर हमने आपको बताया कि हाँ भाई समय के साथ आ सकता है, वेट के साथ आ सकता है, लेकिन इस तरह से टीपोर्ट्स हैंडल नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था? द हैंडल ऑफ अ टीपोर्ट। तो उस तरह से इसको होना चाहिए था, यानी कि इसमें भी गलती कौन से में है? तो फर्स्ट सेक्शन में ही गलती है, पहले पोर्शन में गलती है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब देखिए आगे वाला जो सेंटेंस आया उसमें आया क्या? माय कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड दिस वीक एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर हिम। तो इस वाले में कहां पे गलती है? तो जरा ध्यान दें, सेंटेंस में आया है क्या? कजिन भी आया और ब्रदर भी आया। अभी कजिन क्या हुआ करता है? तो कजिन हमने बताया था ना आपको, जब हमने आपको जेंडर कराए थे, तो जेंडर में हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के जेंडर हुआ करते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। कौन कौन सा? तो मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन होता है, और एक होता है क्या? न्यूटर हुआ करता है। तो मैस्कुलिन जो पुरुषवाचक संज्ञा का बोध करेगा मैस्कुलिन कहलाएगा, स्त्रीवाचक संज्ञा का बोध करेगा फेमिनिन कहलाएगा। बात करें पुरुष और स्त्री की दोनों की, लेकिन हम समझ ना पा रहे हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो जब हम क्लियर ना कर पा रहे हो तो वही हो जाया करता है क्या? कॉमन, जिसमें हमने बताया था ना टीचर होता है, डॉक्टर होता है, कजिन भी उसी में आया करता है, वैसे ही जैसे फ्रेंड आता है, नेबर आता है, तो वो सभी उसी में आया करते हैं। किसमें? कॉमन में आया करते हैं। और जिसमें ना मेल पता है ना फीमेल, यानी कंफर्म है कि ना तो ये मेल है ना फीमेल है, तो वो किसमें आ जाता है? न्यूटर में। और या तो मेल है या फीमेल है, तो वो आ जाता है किसमें? कॉमन में। और वहीं पर हमने बताया था क्या? कजिन, कजिन जो शब्द हुआ करता है ना, वो कभी भी डेफिनेट नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, वो डिपेंड करता है
होता है पूरे सेंटेंस पर। और सेंटेंस पर कैसे, कि जैसे देखो यहां पर भी माय कजिन ब्रदर, तो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता है, कजिन तो कजिन है, ब्रदर और सिस्टर के पर डिपेंड करेगा। तो वो बाद में जो सेंटेंस आया ना, जैसे इसमें आया क्या, लास्ट में आ रहा है हिम, एक्साइटेड फॉर हिम, तो हिम ही जस्टिफाई कर रहा है कि भैया वो क्या है, लड़का है, यानी कि लड़का है तो ब्रदर हुआ, और लड़की होती अरे यहीं पर हर होता तो वो सिस्टर हो जाता, लेकिन कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं लगा करता है। वैसे ही जैसे हम जनरल सी बात ले कि भाई कभी ये कहते हैं क्या, ही इज माय पेरेंट फादर, या पेरेंट मदर, या मदर पेरेंट, फादर पेरेंट, तो ऐसे तो इस्तेमाल नहीं करते ना। तो पेरेंट जो शब्द हुआ करता है वो तो अभिभावक को ही कहा करते हैं, उसमें कभी भी मदर और फादर को स्पेसिफिकली नहीं बताया जाता। इसी तरह कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगा करता। क्लियर, अगली बात करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट आया क्या, कि द जेंट्री ऑफ दिस कॉलोनी। अब जेंट्री किसको कहते हैं, तो जेंट्री की बात कर रहे हैं, जेंट्री क्या होता है, तो एक कुलीन समाज को कह देते हैं जेंट्री। तो द जेंट्री ऑफ दिस कॉलोनी वॉज प्रेजेंट इन द कम्युनिटी हॉल, तो कम्युनिटी हॉल में प्रेजेंट हैं, कौन है, तो जेंट्री, यानी कि जो भी सब लोग हैं, सभी लोग हैं, वो सभी कॉलोनी के वो प्रेजेंट हैं किसमें, कम्युनिटी हॉल में, फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ होली, होली के सेलिब्रेशन के लिए। तो गलती कहां पर हुई, तो हमने बताया था एक रूल बताया था ना उनमें क्या, तो रूल बताया था कि कुछ शब्द ऐसे हुआ करते हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन वो होते कैसे हैं, प्लूरल हुआ करते हैं, जिसमें कि हमने बताया था हुआ करता है शब्द पुलिस, हुआ करता है इन्फेंट्री, हुआ करता है कावलरी, हुआ करता है वैसे ही जेंट्री भी, ठीक है। तो पुलिस जो शब्द हुआ करता है वो भी दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है, उसी प्रकार जेंट्री जो शब्द है वो दिखता तो सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है। तो वहीं पर गलती कहां हो गई, यानी जेंट्री के साथ वाज नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था वहां पर, वर आना चाहिए था, कौन से सेंटेंस में, तो सेंटेंस नंबर जो 2 है उसमें वाज की जगह क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, वर प्रेजेंट होना चाहिए था, और वही गलती हो गई, यानी ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगली बात करते हैं अब, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस आया क्या, Order has been issued. Order has been issued. और किसके लिए order issue हो गया, तो order has been issued. अच्छा order किसको कहते हैं, तो order कहते हैं आज्ञा को, जबकि यहाँ पर जो issue करने की बात कर रहा है, तो issue आज्ञा थोड़ी issue की जाती है, issue क्या किया जाता है, तो issue किया जाते हैं आदेश, और आदेश की जो spelling होती है उसमें order नहीं लगाते, क्या होता है वो orders होता है, क्या होता है orders, यानी कि यहाँ पर order नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, orders has been issued for his transfer to another district. तो यहाँ की गलती किसमें है, तो फर्स्ट पोर्शन में गलती है, पहले पार्ट में गलती है, और वहीं पर टिक लगा देंगे। क्लियर, अगले चलते हैं, आगे देखेंगे, तो आगे देखा कि ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, यानी कि यद्यपि उसने इंग्लिश जो है वो पूरे एक साल पढ़ी, She is yet to learn the alphabets. तो alphabets नहीं होता, alphabets नहीं होता, क्या होता है, alphabet होता है वर्णमाला, तो वर्णमाला के लिए alphabet शब्द नहीं आता, alphabet आता है, यानी कि उसमें s नहीं लगना चाहिए, गलती वहीं पर है, alphabets नहीं होना चाहिए, alphabet होना चाहिए। बात करते हैं अगले sentence की जल्दी जल्दी से, अगला sentence देखेंगे, there are 2 scores of books. स्कोर्स आ गया, क्या आया, स्कोर्स। तो देखिएगा जैसे ही हमें अगर रूल अच्छे से तैयार हैं तो हम बिल्कुल जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे हमें तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भाई ये चीज तो हमने पढ़ी है, और उस पर हम एकदम से उसको पकड़ लेंगे, एरर डिटेक्ट हो जाएगी। और वो रूल्स कहां से पता चलेंगे, तो 3 वीडियोस बनाई हैं नाउन से एरर के रिलेटेड, या फिर किसी भी तरह का रूल जो हो उनसे रिलेटेड हमने 3 वीडियोस बनाई हैं, उन 3 वीडियोस को जाकर के देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, और जब रूल्स क्लियर हो जाएंगे तो एरर डिटेक्शन क्या किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, बात करते हैं, देखिएगा तो यहां पर हमें गलती कहां पर मिली, स्कोर्स में गलती, और स्कोर्स में गलती क्या है, बताया गया था कि कुछ नाउन न्यूमरल नाउन होते हैं, कौन कौन से, तो 100, 1000, 1,000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 
टू लिखा हुआ है उससे पहले। तो रूल ये था कि न्यूमरल नाउन से पहले अगर कोई डेफिनेट नंबर लिखा हुआ है तो वहां पर एस का प्रयोग उसके साथ नहीं किया जाएगा, और डेफिनेट नंबर नहीं लिखा हुआ तो एस का प्रयोग किया जाएगा। और वही गलती यहां पर हो गई, टू के बाद स्कोर्स नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, स्कोर आना चाहिए था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर वन में गलती है, तो वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन देखेंगे क्या लिख रहा है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। तो शीप्स क्या है, यूजफुल है, और कैसे, तो इकोनॉमिकली यूजफुल है, एंड सो दे आर रेयर्ड
इन द हिल्स। तो हिल्स में वो रेयर हैं, क्यों रेयर हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली यूजफुल हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर देखें क्या गलती है, तो फर्स्ट वर्ड ही गलत है। फर्स्ट वर्ड गलत क्या है, शीप्स, शीप्स नहीं होता, क्या होता है, शीप होता है। यानी कि रूल बताया गया था, रूल क्या बताया गया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर लिख लो चाहे प्लूरल लिख लो तो वो चेंज नहीं हुआ करते, उनमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया करते, वो तो सिंगुलर हैं तो भी ऐसे लिखे जाएंगे, प्लूरल हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। कौन कौन से शब्द होते हैं, तो शब्द होता है शीप, तो शीप्स नहीं होता, शीप ही शब्द हुआ करता है। वैसे ही कोई शब्द हुआ करता है एयरक्राफ्ट शब्द होता है, वैसे ही स्टोरी शब्द हुआ करता है। स्टोरी कौन सा, तो स्टोरी हुआ करता है STORY, स्टोरी, जो कि आता है किसके लिए, मंजिल के लिए, है ना, होता है ना फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी थर्ड स्टोरी, तो वही स्टोरी जो शब्द हुआ करता है उसमें वाई हटा के IES नहीं लगाया करते, या फिर एस लगा हुआ मिल जाए तो भी वो गलत हो जाता है, यानी कि उसमें एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। वैसे ही शब्द हुआ करता है हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर्स होता है शब्द, या हेडक्वार्टर होता है तो हेडक्वार्टर नहीं होता, हेडक्वार्टर्स शब्द हुआ करता है, यानी मुख्यालय जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो शब्द हेडक्वार्टर्स होता है। वैसे ही डियर शब्द होता है, तो डियर में भी एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाते, यानी कि हर एक शब्द में ध्यान देंगे उसी तरह से नाउन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, रूल्स में ये बात भी बताई गई थी। तो यहां पर गलती किसमें, तो शीप्स में गलती है, शीप्स नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, शीप आना चाहिए था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स, यानी कि रूल आ गया, कौन सा बताया था रूल, किसमें बताया था, एपोस्ट्रॉफी वाले पोर्शन में बताया था, पोजीशन दिखाने वाले में बताया था, क्या बताया था कि भैया कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से, तो समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, नोवन नोबडी नथिंग, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन का रूल क्या था कि भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जब जब एल्स लगा हो तो एपोस्ट्रॉफी एस किस में लगेगा, एल्स में लगेगा, यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस कहां आना चाहिए था, तो एल्स के साथ आना चाहिए था, यानी समबडी और एल्स में एपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए था। और इसने गलती क्या कर दी कि भैया समबडी में लगा रखा है, तो वही तो गलती है, और गलती क्या है कि एपोस्ट्रॉफी एस एल्स में लगना चाहिए था, यानी गलती हो गई ऑप्शन नंबर तीसरा, जो ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें, सेंटेंस आया क्या, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल, तो शी मिसप्लेस्ड यानी कि उससे क्या होगा, मिसप्लेस हो गया, क्या मिसप्लेस हो गया, स्पेक्टिकल मिसप्लेस हो गया। अब स्पेक्टिकल किसको कहते हैं, तो स्पेक्टिकल आगे चलिए देखते हैं अभी कि इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग, अच्छा पढ़ने में अगर किसी को दिक्कत होगी तो उसका क्या चीज खो गई होगी, तो जब चश्मा खो जाएगा तभी तो पढ़ने में दिक्कत होगी, और चश्मा खो गया और चश्मे को क्या कहते हैं, तो चश्मे दो प्रकार के, धूप का और नजर का, धूप के को गॉगल्स कह देते हैं और नजर के को स्पेक्टिकल्स कह देते हैं, स्पेक्टिकल नहीं कहते, क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल्स। और स्पेक्टिकल किसको कहते हैं फिर, तो स्पेक्टिकल कहते हैं दृश्य को, सीन को कहते हैं, साइट को कहते हैं, तो वही यानी गलती किसमें हो गई, यहां पर स्पेक्टिकल्स आना चाहिए था ना कि स्पेक्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर ए में गलती है, पहले वाले में ही गलती है। आगे चलते हैं देखते हैं अगला क्या है, तो अगला आया कि राशन हैज रन आउट, क्या आ गया, राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड, कि राशन जो है वो खत्म हो गया, कौन सा राशन, ये वही जो घर पे लेकर के आते हैं ना, उसी राशन की बात हो रही है, लेकिन राशन जो शब्द हुआ करता है RATION, राशन जो शब्द है वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल होता है, क्या हुआ करता है, वो प्लूरल हुआ करता है, और चूंकि शब्द प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, यानी कि यहां पर भी ये वाली, ये भी उसी रूल में आ गया, किस वाले में, कि भैया दिखता तो सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है, यानी राशन हैज बीन ना आकर के क्या आना चाहिए था, हैव बीन आना चाहिए था, राशन हैव बीन आना चाहिए था, सॉरी हैव रन आउट आना चाहिए था। ठीक, अगली बात करते हैं कि द टेबल्स वुड, फिर से वैसी ही गलती, कौन सी गलती, जो हमने अभी पहले एक क्वेश्चन आया था किसमें, जब टी पोर्ट्स हैंडल लिखा था ना, वहां पर भी जो गलती थी वही सेम गलती यहां पर कर दी, कि द टेबल्स वुड, तो टेबल्स वुड नहीं, क्यों, टेबल जो है वो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, यहीं पर गलती हो गई, क्या गलती हो गई, तो वुड्स टेबल्स वुड जो है वो ना होकर के होना क्या चाहिए था, द वुड ऑफ द टेबल होना चाहिए था, वहीं पर गलती है, यानी कि गलती सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि हमें इतनी आसानी से चीजें दिख जाएं, कब तक नहीं आसान होता, जब तक हम रूल्स पर नहीं जाते, तो रूल्स हमें याद होने चाहिए। अगले पे पहुंचते हैं कि द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई, यानी मोरल जो है आर्मी का वो हाई था, क्यों था हाई, बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, की जो न्यूज आ रही थी फ्रंट पे से,
आर वेरी एनकरेजिंग। अब यहां पर देखिएगा सेंटेंस को सही से पढ़ेंगे कि द मोरल ऑफ द आर्मी, कोई गलती नहीं इसमें, तो कोई गलती है ही नहीं। आगे चले तो वाज हाई, हाई था, क्यों था हाई, तो रीजन बताने लगा कि बिकॉज द न्यूज, अच्छा न्यूज जो शब्द होता है वो सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, तो बताया गया था नाउन का रूल नंबर वन, क्या रूल था कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से, तो होते हैं न्यूज, होता है इंफॉर्मेशन, होता है फर्नीचर, होता है प्रोज, पोएट्री, मनी, ठीक है, सीनरी, मशीनरी, ये सभी हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनमें एस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनाया करते, पीस या पीस ऑफ लगा करके कर लेते हैं यूज, ठीक है। तो वही चीज तो है यहां पर, तो न्यूज कैसा शब्द है, सिंगुलर, और चूंकि न्यूज सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब जो आगे आ रही है कौन सी वर्ब, तो द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहां तक तो सब्जेक्ट था, इसके बाद वर्ब आई, कौन सी वर्ब आई, आर, तो आर आ रहा है, और आर जो शब्द है वो कैसा है, प्लूरल के साथ आता है भैया आर तो, और यहां पर न्यूज है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट न्यूज जो है वो कैसा होता है, सिंगुलर, और चूंकि न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, सिंगुलर, और वही गलती कर दी, यानी कि यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वही हमारा सही आंसर है, यानी आर की जगह क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि द फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस, गलती पता चल गई, यहीं पर आगे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑक्सेस ही तो गलती है, ऑक्सेस तो कुछ होता ही नहीं है, होता क्या है, ऑक्सन, मैंने बताया था ना सफिक्स लगाने का, याद रखेंगे सिंगुलर से प्लूरल में, कि ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या हो जाता है, तो ओ एक्स ई एन हो जाता है, ना कि ओ एक्स ई एस नहीं होता, ओ एक्स ई एन हो जाता है, और वही यहां पर गलती थी, यानी ऑक्सन आना चाहिए था, ऑक्सेस नहीं आना चाहिए था, पहले ही सेंटेंस में गलती है। आगे चलेंगे, अगला देखा कि दी इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स दैट देयर विल बी नो इंटरप्टिंग, तो नो इंटरप्टिंग नहीं, इंटरप्टिंग तो यहां पर वर्ब की तरह से दिख रहा है, लेकिन यहां पर इंटरप्टिंग नहीं आएगा, नो इंटरप्शन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटरप्शन आना चाहिए, क्योंकि यहां पर नाउन का काम नहीं हो रहा है, वर्ब का काम नहीं हो रहा है, यहां पर आना चाहिए क्या, इंटरप्शन आना चाहिए, कि वी इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स दैट देयर विल बी नो इंटरप्शन इन आवर बैंक सर्विस टुमारो, क्योंकि यहां पर वर्ब का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, मेन वर्ब का काम, विल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, और वैसे ही इंटरप्शन आना चाहिए था, ना कि इंटरप्टिंग, ठीक है। तो गलती कहां पर हो गई, तीसरे पोर्शन में गलती हो गई, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो देखिएगा ध्यान रखेंगे इन चीजों का, और ध्यान से ही इन चीजों को करते रहेंगे, तब तक जब तक हमें रूल नहीं पता है तब तक हम गलती करते रहेंगे, लेकिन रूल्स जरूर पता होने चाहिए, तो ध्यान रखेंगे रूल्स का। चलिए अगले की बात करते हैं, अगला सेंटेंस देखेंगे ध्यान से, अ लार्ज नंबर ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स की बात हो रही है। अब एयरक्राफ्ट्स होता है क्या कोई शब्द, तो एयरक्राफ्ट कोई शब्द नहीं होता, एयरक्राफ्ट हुआ करता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, ये वही वाला रूल है कौन सा, जिसमें शीप आया था, जिसमें स्टोरी आया था, यानी कि कुछ नाउन में सिंगुलर लिख लो चाहे प्लूरल लिख लो, लिखे इसी तरह से जाएंगे, यानी कि एस लगा हुआ है तो हटेगा नहीं, और हटा हुआ है तो लगेगा नहीं, यानी हेडक्वार्टर्स है तो हेडक्वार्टर्स ही है, वो हेडक्वार्टर नहीं हुआ करता, वैसे ही एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, एयरक्राफ्ट हुआ करता है, तो एयरक्राफ्ट आना चाहिए यहां पर, ना कि एयरक्राफ्ट्स, यानी कि एस उसमें नहीं लगेगा, ऐसा हटा दिया जाएगा, और वहीं पर हमारी गलती है, यानी कि आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर वन। बात करते हैं आगे की, और अगला सेंटेंस देखिएगा, बड़ा शानदार सेंटेंस क्या है कि वर्ड्स वर्ड्स पोएट्रीज, पोएट्रीज अभी तो बताया कि भैया कुछ नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से, तो उसमें हमने बताया था प्रोज भी और पोएट्री भी, तो पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री ही होना चाहिए था, यानी पहले पोर्शन में ही गलती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। अगला देखेंगे कि व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स You cannot believe that he is above 70, यानी कि जब तुम उसका बचपना देखोगे, बचपन देखोगे, तो तुम नहीं बता पाओगे कि वो 70 का है, यानी कि 70 साल का लगभग है, तो यानी कि गलती क्या, तो यहाँ पर बचपने की बात हो रही है, और बचपना ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है, और वहीं पर गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में गलती है, दूसरे पोर्शन में गलती है, और वही हमारा आंसर हो जाना चाहिए, यानी कि हो जाना चाहिए ऑफ स्प्रिंग, और उसी में हमारी गलती है, क्लियर। तो यहाँ तक कभी सभी कुछ समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रेगुलर ला रहे हैं और लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।